बैठिए बैठिए आप लोग बैठिए। हमारे प्रभारी ये अच्छी चीजें लगा था यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप जी खचरेवास राजीव यादव जी यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल साथी प्रताप मीणा जी गोविंद मेघवाल जी भाई जोशी जी राजेंद्र यादव जी लालसिंह कटारिया जी चकुंता रावत जी डॉक्टर चंद्रपाल जी डॉक्टर जितेन सिंह जी ममता भूपेश जी टीकाराम जोड़ी जी मुरारी मीणा जी महादेवी खंडेराव जी कांति मीणा जी आलोक बेनीवाल दीप सिंह खेजा साहब गंगा देवी जी अमित कागजी जी बाबूलाल माघवी रतन कांतक राजकुमार शर्मा वेद प्रकाश सोलंकी जी आर खटाना श्री गोपाल मीणा नीता चौधरी जी वीरेंद्र सिंह जी देवी चंदेलिया जी आकम अली जी संदीप यादव जी सुरेश मोदी जी यशकिशोर शर्मा साहब और ओम प्रकाश भटला जी और आपके क्षेत्र के लोकप्रिय हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार रहे थे पुष्पेंद्र भारद्वाज तमाम उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण प्रदेश के और जिले के भाई और बहनों नौजवान साथी आप सबको मालूम है कि आप लोग इतनी तादाद में पूरे संभाग के आए हैं और ये अंतिम मीटिंग है संभाग की और इनमें कोटा क्या देख रही हो? अरे वो आई नहीं ना अब तक। चाय पियो पहले, आ जाएगी। अरे लो आ गई हमारी बहन। आइए आइए। प्रणाम चाचा जी। आओ बेटा। चाची तबीयत कैसी है आपकी? 6, 7, 8, 9, 10 लो चाची पूरे 5,000 रुपए हैं। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था हम बूढ़े लोगों के लिए बैंक इस तरह हमारे घर आ जाएगा। चाची 6 साल पहले तो मैंने भी नहीं सोचा था कि एक गृहिणी से हटकर मेरी भी एक अलग पहचान बनेगी, पर आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपना परिवार संभाल रही हूँ और तो और बैंकिंग सखी कहलाती हूँ। सुशासन विकास रोजगार डबल इंजन की सरकार 6 साल यूपी खुशहाल। पाकिस्तान की इतनी दुर्दशा हो गई है, आर्थिक रूप से भुखमरी फैल गई है और तो और एक राज्य वहां भी राज्य अपने तरह अलग अलग राज्य है, एक राज्य में इलेक्शन होने हैं तो वहां की गवर्नमेंट हाथ खड़ी कर दी इलेक्शन कानून में हमारे पास पैसे नहीं है। आप सोच सकते हो कहा पाकिस्तान का हिंदुस्तान आज जिसका मान सम्मान दुनिया के मुल्कों में होता है। मैंने नरेंद्र मोदी जी को कहा भाषण के अंदर भी 2-3 महीने पहले एक प्रोग्राम था किरण फ्राइडे के नाम का गोविंद गुरु के नाम का, मैंने मोदी जी आप जाते हो दुनिया के मुल्कों में तो जो आपका सम्मान होता है वो क्यों होता मालूम आपको? इसलिए होता है लोग कहते हैं ये गांधी के देश क्या है, ये हिंदुस्तान का है जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत है लोकतंत्र उस देश के ये प्रधानमंत्री, इसलिए होता है। इनको घमंड हम नहीं करना चाहिए, ये कब जनता माई बाप होती है, जनता का अधिकार नहीं कांग्रेस ने दिया वोट देने का अधिकार, इसलिए आज चाहे प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो एमएलए एमपी कोई हो सरपंच हो हम बुजुर्गों के तरह हाथ लगाते हैं आशीर्वाद मांगते हैं बुजुर्गों के दलितों के पिछड़ों के आदिवासियों भाई आप आशीर्वाद दो मुझे कामयाब करो चुनाव जिताओ
मैं सेवा करना चाहता हूं। अगर ये अधिकार नहीं होता तो गरीब को कौन पूछता? और गरीब की पूछ इसलिए है कि वोट का मालिक एक वोट का मालिक वो भी है, और इसीलिए आज लोकतंत्र जिंदा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी आप प्रधानमंत्री बने हो देश के। आते कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, सिद्धू ठाकरे कांग्रेस ने क्या किया? दुनिया के मुल्कों में जाकर आपने बातें कही है कि सिद्धू ठाकरे कुछ नहीं हुआ है। इस देश का मान सम्मान तो वहां जाके आपने ऐसे कमेंट करके घटाया। राहुल गांधी को कह रहे हो आप जो आप लंदन में आके बोल के आगे क्या बोल के आगे, कोई गलत बात नहीं बोली। हिंदुस्तान बोलते हुए बात वहां बोली उन्होंने। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये पूरा देश देख सकता है, पूरी दुनिया देख सकती है, अमेरिका में इंग्लैंड में कौन कहां बैठा हुआ है, कौन कहां बोल रहा है, सब कुछ देख सकते हैं। ये आईटी का जमाना है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, सब कुछ दिखता है इसके अंदर। और ये भी राजीव गांधी की देन है जिनका सपना था 21st सेंचुरी का, वो लेके आए कंप्यूटर और मोबाइल और इंटरनेट के सपना उनका था। इन्होंने क्या किया? अभी हमारे चंदाव साहब कह रहे थे, अरे इन्होंने तो आजादी जंग के अंदर हमारे नेताओं ने क्या किए, कुर्बानी की, बलिदान किए, इन्होंने अपनी एक उंगली भी नहीं कटाई है। आरएसएस हो या बीजेपी हो, एक उंगली नहीं कटाई है। ये हिंदुस्तान की बात करते, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, राष्ट्रीयता ही इनसे सीखेंगे हम लोग। जिसने मुल्क को आजाद करवाया वो सीखेंगे राष्ट्रीयता क्या होती है। हिंदू धर्म की बात करते क्या हम हिंदू नहीं है क्या? गौ माता की सेवा ये तो नकली करते हैं, असली सेवा हमारी सरकार करती है, गायों को देती है, अनुदान देती है गौशालाओं को। लंबी लोग आगे 40,000 रुपये मैंने डिक्लेयर किए हैं जो गाय मर गई है, बीमा करिए गायों का आने वाले वक्त के अंदर। जिस प्रकार से ये हिंदू धर्म हिंदू मुस्लिम की बात करते करते सत्ता में आ गए, ये आप सोच लीजिएगा। आज जो देश के हालात हैं उनकी चिंता हर देशवासी को करनी चाहिए। आज हालात ठीक नहीं है देश के, लोकतंत्र दिखता क्या आपको? जुडिशरी पे दबाव, चुनाव आयोग पे दबाव, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई छापे डालती है, जाकर चुनाव होते हैं चुनाव पहले ईडी जाती है छापे डालने के लिए। चंदा खाली बीजेपी को दो और किसी को मत दो, दोगे तो ईडी आपको पकड़ के जेल में डाल देगी। लोकतंत्र जिंदा रहेगा इस प्रकार से? राहुल गांधी ने क्या कह दिया? उनको बोलने नहीं दिया उनको। राहुल गांधी को आप सोचिएगा, पार्लियामेंट बोल रहे थे माइक बंद कर दिया, बोलना क्या सत्ता पक्ष ने, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। अरे पहले बोलने दो उनको, बोलने के बाद कहना भाई कि नहीं हम आपकी बातों में सहमत नहीं है, माफी मांगो, फिर भी कहते मत किस बात की मांगे। वो नाटक करके नारा लगाए, उनको षड्यंत्र करना था। राहुल गांधी के निष्कासन का जिन्होंने षड्यंत्र किया है वो कब किया मालूम आपको? जब भारत जोड़ो यात्रा 3,500 किलोमीटर की हुई, राजस्थान में आई थी, आप लोगों ने केरल में भाग लिया था उसके अंदर, और देखा उन्होंने, गुड वेरी गुड, आप देखा उन्होंने कि यात्रा में तो पॉपुलर नौजवान हो रहा है, लाखों लोग आ रहे हैं उनकी यात्रा के अंदर, उनकी इमेज खराब की गई थी, वो सब खन्ना खत्म हो गई। घबरा करके तभी से इन्होंने टारगेट बनाया राहुल गांधी को षड्यंत्र के रूप में। परिणाम क्या रहा? 2-4 साल पुराना केस था कर्नाटक का, उस केस को जिसने केस किया सुरेंद्र के अंदर हाईकोर्ट में अपील करी, मैंने खुद ही मेरा केस है रोक दो, अभी सुनवाई नहीं करे, हाईकोर्ट में गया। और जैसे ही घटनाएं हुई और हाईकोर्ट में गया कि अब मैं केस चलाना चाहता हूं, और एक महीने मैंने के अंदर 2 साल की सजा दे दी। ऐसे केस में इतिहास में किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई है, सिर्फ राहुल गांधी को हुई है, और दूसरे दिन को निकाल दिया, निष्कासन कर दिया। ये देश देख रहा है
मोदी जी आपको देख रहा, अमित शाह जी को भी देख रहा है। ठीक कहा सिद्धार्थ साहब ने, इलाहाबाद का आनंद भवन सरदार भवन दे दिया देश को मोतीलाल नेहरू के वक्त से ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू दे दिए, स्वतंत्र प्रधानमंत्री ने नींव मजबूत रखी, आज उसमें हम खड़े हैं, सभी तरह से मजबूत है हम लोग, दुनिया की बड़ी ताकत बन गए हम लोग 70 साल के अंदर, ऐसे नहीं बन गए जब सुई नहीं बनती थी यहां पर, और क्या नहीं हो रहा है। इंदिरा गांधी उनकी दादी थी राहुल गांधी की, खालिस्तान नहीं बने दिया, उनके सीना छलनी कर दिया, वो शहीद हो गए देश के लिए। इनके पिता राजीव गांधी शहीद हो गए, इंदिरा गांधी का पोता राजीव गांधी का बेटा, जिसकी मां सोनिया गांधी आप लोगों ने बनाया प्रधानमंत्री, तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं बनना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे। अरे गांव में सरपंच का पद नहीं छोड़ते कोई, एमएलए की बात छोड़ो, प्रधानमंत्री पद छोड़ना किसे कहते हैं, इनको इनको समझ में नहीं आती लोगों को कि ये महिला जो है भारतीय नारी की तरह उन्होंने जिंदगी बिताई अपनी राजीव जी की शहादत के बाद में, पूरा देश लोहा मान गया इनका, और मान सम्मान जो सोनिया गांधी का देश के अंदर है, एक महिला के रूप में आप सोच सकते हो कैसा सम्मान है, आपके दिनों के अंदर भी है, उसके बेटे को आप निष्कासन कर दो, उसकी दादी को निष्कासन किया पहले आपने, नतीजे भुगत दिया आपने, वापस आंडी चली देश के अंदर, इंदिरा गांधी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी थी, राजीव गांधी निकाला पार्लियामेंट से, इनको नतीजे भुगतने पड़ेंगे देश जानता है। अब कहते हैं ये विपक्ष वाले सब एक क्यों हो गए, आपके पेट में दर्द क्यों होता है, अगर एक हो गए तो शुभ संकेत है ये। अरे जनता का दबाव पड़ेगा चुनाव आते तो और पड़ेगा, तमाम विपक्षी पार्टियों को एक होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो लोकतंत्र में व्यक्ति नहीं है, ये फासिस्ट लोग हैं, आरएसए की जो विचारधारा वो कभी लोकतंत्र रही नहीं है, तिरंगा झंडा भी ये लोग आपको मालूम है 40 साल तक इन्होंने अपने नागपुर में नहीं लगाया है तिरंगा झंडा, अब जाके लगाने लग रहे हैं, ये क्या बात करेंगे। धर्म के नाम पर राजनीति करना बड़ा आसान होता है, चुनाव जीत भी जाते हैं, चुनाव जीत गए, आग लगाना बड़ा आसान होता है, आग को बुझाने वक्त लगता है, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी हो वक्त लगता है, 2-3 साल लगते हैं बनाने में, गिरानी हो तो आप बोर्डर से भेज दीजिए गिर जाएगी बिल्डिंग, बनाने में वक्त लगता है, गिराने में कोई वक्त नहीं लगता है, देश को बनाने वक्त लगा है, ये कमजोर करे देश को। अमृतपाल सिंह की बात की अभी सरदार साहब ने, आप बताइए अमृतपाल सिंह का आदमी एक अचानक आ गया पंजाब के अंदर, आप मैंने जो बैठे हो जो सुनते होंगे उस जमाने में कितना आतंकवाद था पंजाब के अंदर, 40 लोग मर गए, 60 मर गए, बहुत मरते थे वहां पर बिजावाड़ी के वक्त में, आप बताइए उस पंजाब वापिस जब क्या आप पार्टी आई है